सो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी अपनी वीडियो के सबटाइटल्स कैसे लिख सकते हैं। कोई वीडियो, मूवी या कोई गाना, उसके सबटाइटल कैसे लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिस आपको इज द बताया फर्स्ट था कि क्रिसमस वी आप हैड। अपने VLC प्लेयर में ये मिली सेकेंड्स वाला ये एक्सटेंशन कैसे लगा सकते हैं। इसमें आपको फुल टाइम दिखाई देगा वीडियो प्ले होने का विद मिली सेकेंड्स। तो ये थोड़ा ज़रूरी है सबटाइटल्स लिखने के लिए, क्योंकि उसमें फॉर्मेट में ही कुछ ऐसा है। तो मैं आपको फॉर्मेट लिख के दिखाता हूँ सबटाइटल लिखने का। तो सबसे पहले आपको अपना नोटपैड ओपन करना है और उसमें आपको लिखना है एक एक। लिखने से क्या होगा, आप जब भी किसी सबटाइटल लिखने की शुरुआत करते हैं, जो उसका पहला सेंटेंस होता है उसका नंबर होगा एक। और पहले सेंटेंस का स्टार्टिंग टाइम लिखना है। फिर आपको स्टार्टिंग टाइम कैसे लिखना है, पहले आवर्स लिखने हैं डबल डिजिट्स में, फिर मिनट्स लिखने हैं डबल डिजिट्स में, और फिर सेकंड्स भी डबल डिजिट्स में लिखने हैं, और फिर कोमा लगा के मिली सेकेंड्स लिखने हैं ट्रिपल डिजिट्स में, और फिर एक एरो का साइन बना देना है डबल माइनस और ये ग्रेटर देन लगा के, और फिर उस सेंटेंस का एंडिंग टाइम लिखना है जैसे स्टार्टिंग टाइम लिखा था, आवर्स मिनट्स सेकेंड्स एंड देन मिली सेकेंड्स। तो आपको ये लिख देना है पूरा, कोमा लगा के मिली सेकेंड्स लिखना है, और एक इंटर प्रेस करना है। और ये शुरुआती टाइम है, ये एंडिंग टाइम है सेंटेंस का। एक इंटर प्रेस करके आपको वो सेंटेंस लिख देना है, जो भी आपका सेंटेंस है। वो लिखने के बाद फर्स्ट सेंटेंस में लिख लेता हूँ उसको। उसको लिखने के बाद आपको एक इंटर प्रेस करना है नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। फिर एक और बार इंटर प्रेस करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन है वो ब्लैंक रहनी चाहिए। पहले, दूसरे, तीसरे, मतलब जितने भी आप सेंटेंस लिखेंगे उसके बीच में एक ब्लैंक लाइन रहनी चाहिए। तो दूसरे सेंटेंस के लिए हम दो लिख लेते हैं, और फिर वही स्टार्टिंग टाइम लिखते हैं एंड देन एरो लगा के एंडिंग टाइम लिखते हैं सेकंड सेंटेंस का। और टाइमिंग लिखने के बाद हम अपना सेकंड सेंटेंस लिख लेते हैं, जो भी हमारा सेकंड सेंटेंस होने वाला है, जो प्रिंट करना है हमें वीडियो पे, वो सेंटेंस लिख लेते हैं। और फिर उसके बाद वैसे ही एक ब्लैंक लाइन छोड़ के तीसरा, फिर चौथा, फिर छठा, पांचवा, छठा, सातवा, जितने भी आपको सेंटेंस लिखना है आप लिख सकते हैं। तो हम अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आप जिस भी वीडियो के सबटाइटल्स लिखना चाहते हैं उसको अपने VLC प्लेयर में ओपन कर लें, This is the और first ओपन Christmas we've करने के had बाद together आपको मिली in सेकेंड्स years. और सेकेंड्स पे ध्यान देना है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। तो वो देखने के बाद आपको सेंटेंस भी याद कर लेना है कि क्या बोला गया है इस सेंटेंस के बीच में, टाइमिंग के बीच में क्या सेंटेंस बोला गया है। तो हम नोटपैड में जाके हम वो सेंटेंस लिख लेते हैं टाइमिंग के साथ। तो पहला सेंटेंस हमारा बोला गया है जिसमें 0 आवर्स है और मिनट्स भी कुछ नहीं है, तो 00 कर देंगे, और सेकेंड्स भी कुछ नहीं है, शुरुआत ही हमारी शुरू से ही हुई है, तो 00 हर जगह कर देंगे, बस मिली सेकेंड थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और फिर एरो लगाकर हम उस सेंटेंस का एंडिंग टाइम लिख देंगे, जो भी उसका एंडिंग टाइम था। और एंडिंग टाइम लिखने के बाद हम अपना सेंटेंस लिखते हैं जो उसने बोला है इस टाइमिंग के अंदर। वो लिखने के बाद हम अपना दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, जो भी बोला गया है वीडियो में। ये लिखने के बाद अब एक ब्लैंक लाइन छोड़ देते हैं हम, फिर सेकंड सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं। हम सेकंड सेंटेंस सुन लेते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। I love you सेकंड guys. सेंटेंस, तो हमारी पहले हम टाइमिंग लिखते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग 00:00, और फिर 05 सेकेंड्स से स्टार्टिंग है, 900 मिली सेकेंड्स है, एंड देन एरो लगा के एंडिंग टाइम लिखते हैं सेंटेंस का। एंडिंग टाइम लिखने के बाद पहले देखते हैं क्या था एंडिंग टाइम। और सेंटेंस क्या था, आई लव यू गाइस।
एंड देन ऐसे ही हम तीसरा चौथा पांचवा छठा जितने भी सेंटेंस हैं मैं लिखता हूँ, और इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको सेव करना है। सेव कैसे करना है, आपको फाइल पे क्लिक करके सेव एस पे क्लिक करना है, और इसको फिर शॉर्ट एस टाइप में आकर आपको इसको ऑल फाइल्स पे सेलेक्ट कर देना है, और फिर आप जहाँ भी इस फाइल को सेव करना चाहते हैं लोकेशन चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद इस फाइल को आपको नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, और नाम देने के बाद आपको डॉट लगा के SRT लिख देना है, क्योंकि जो सबटाइटल का फॉर्मेट होता है वो .SRT होता है, उसका एक्सटेंशन .XRT होता है। फिर वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से शुरू कर लेना है और सबटाइटल्स वाले टैब में आना है और ऐड सबटाइटल्स पे क्लिक करना है, और जहाँ भी आपने उस फाइल को सेव किया था उस पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो फाइल जो है प्ले होने लग गए और सबटाइटल्स भी लिखे हुए आ रहे हैं। Authorities are wondering if the masked vigilante who terrorized the city's underworld is back. The past has caught up with me.